हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं मैगी। तो ये मैगी कुछ होने वाली है अलग, इसको ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। तो ये कढ़ाई बहुत काली है या कुछ है इसका प्लीज़ कमेंट मत करना, क्योंकि ये मैंने तड़के के लिए रखी है। तो इसके अंदर हमने डाल लिया ऑयल, और ये मैंने काटी है कुछ हरी मिर्च, और ये ऑयल थोड़ा गर्म होता है तो इसमें डाल देंगे थोड़ी हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ, मैंने लहसुन भी छील के और कूट के रखा है, तो इसमें डालेंगे लहसुन। ये सब चीज़ें डाल के अब इसको थोड़ी देर ऑयल को वो होने देंगे, और उसके बाद इसमें डालूंगी मैं प्याज। फिर आपको दिखाऊंगी ये थोड़ी डिफरेंट कैसे होने वाली है। इसके लिए मैंने काटे हैं एक टमाटर, और ये है हमारी मैगी। तो मुझे कमेंट में बताना कि 2 मिनट में कौन कौन मैगी रेडी कर लेता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर 2 मिनट में बन जाती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि किसकी मैगी 2 मिनट में बनती है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाते हैं, लहसुन और हरी मिर्च थोड़ी ब्राउन सी होने चाहिए, फिर उसके बाद डाल देंगे थोड़े इसमें एक जो कटे हुए प्याज है, एक मैंने प्याज काट के रखा था वो, तो इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनते हैं, और जब प्याज थोड़ा सा गुलाबी टाइप की हो जाए और थोड़ी नरम हो जाए हैं, तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये जो मैंने एक काट कर रखा था ये टमाटर डाल देंगे। अब अगर आपके पास कुछ वेजिटेबल हो, जैसे मटर वगैरह, मटर हो, कैरेट हो या कुछ हो, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी कुछ नहीं था, तो इसलिए मैं अभी ये सिंपल मैगी इस टाइप से मैगी बना रही हूँ। और इस टाइप से भी बहुत टेस्टी मैगी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करके देखना कुछ अलग से। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। अब नमक से थोड़ा सॉल्ट हो रही, नमक अपने अकॉर्डिंग ही डालना है, क्योंकि जो मैगी मसाला होता है उसमें भी नमक होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही डालना है। तो ये थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे, ये देखिए ये हो गया, थोड़े टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे नमक डालने से। तो मैंने ये नमक डाल दूँ मैंने वीडियो में, क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं उसको अच्छी को चला रही हूँ, तो मैंने इसलिए नमक उसमें डाल दिया था जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए, क्योंकि मसाले में भी, मैगी के मसाले में भी नमक होता है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ये सॉफ्ट हो गया तो इसमें धनिया पाउडर, उसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद डालेंगे इसमें हम मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी कम डालेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मैगी ज़्यादातर बच्चों को बहुत पसंद होती है तो वो इतनी मिर्च खा नहीं पाएंगे, इसलिए तो हमने हरी मिर्च डाली है, तो लाल मिर्च मैंने इसमें कम डाली है। थोड़ा ये जब तक मसाला वो थोड़ा सा ऑयल अलग होता है, आप इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। ये हमने इसमें डाल दिया था 1 गिलास पानी, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। अब हम मैंने इसको मैगी को काट के रख लिया है, तो ये देखिए अब इसमें हम 2 मैगी इसके अंदर डाल देंगे, दोनों मैगी, और कुछ जो मैगी ये वाली निकली है इसको हम थोड़ी देर में डालेंगे। इसको हम ऐसे डाल के इसमें छोड़ देंगे और देंगे, तो इसमें थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। और प्लेट पे हम इसमें डाल देंगे मैगी मसाला। अब इसमें हमने दोनों पैकेट जो मैगी मसाला निकला था वो डाल दिया है। अब जो मैगी हमने इसमें बचा के रखी थी कटोरी में वो भी डाल देंगे ऊपर से, और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। इसे बना के और ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी और थोड़ी अलग होती है।
और इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग होगा। फाइनली हमारी मैगी तैयार है, तो यमी यमी मैगी ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये मैगी फाइनली कैसा टेस्ट था इसका। और हमें तो ये बहुत पसंद है, और आप भी ट्राई करके मुझे बताना, प्लीज़ ट्राई करना दिस मैगी।